बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की क्या भूमिका रही है, मतलब विज्ञान ने किस प्रकार से हमारे जीवन के स्तर को सुधारा है और आज हम किस प्रकार से विज्ञान की बदौलत अच्छे जीवन को जी पा रहे हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने क्या क्या हमें दिया और हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे जीवन को किस प्रकार से सुविधाजनक बनाया है विज्ञान ने, ये आज हम बेटा आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भोजन के क्षेत्र में। भोजन के क्षेत्र में क्या था, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल करते थे, मिट्टी के पारंपरिक बर्तन इस्तेमाल करते थे, धातुओं से निर्मित बर्तन जैसे लोहे के बने हुए बर्तन हम लोग इस्तेमाल करते थे। समय गुजरता गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत सारे मतलब कह सकते हैं बहुत सारा जो है नए नए एक्सपेरिमेंट्स हुए और जिसकी बदौलत हमें एक गैस चूल्हे का भी आविष्कार हुआ और गैस चूल्हा आज हमारे घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, विद्युत ओवन इस्तेमाल करते हैं, सोलर कुकर आ गया है, गैस चूल्हे की जगह ले ली है उसने। सोलर कुकर क्या है, एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। प्रेशर कुकर हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं, कितने जल्दी खाना बन जाता है, पहले आपको दाल है चावल है बनाने के लिए आधे आधे घंटे इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज प्रेशर कुकर की मदद से मात्र जो है 2 से 4-5 मिनट में हमारे घर में खाना बन के तैयार हो जाता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन है, इतने चमकदार बर्तन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन स्टिकी बर्तन यानी कि जिसपे चिपकता भी नहीं है, बहुत ही कम तेल से हम जो है कुछ भी बना सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं खाना। इंडक्शन चूल्हा आज हमारे घर में आ गया। तो ये तमाम जो देने हम आज देख रहे हैं हम अपने घरों में, ये वर्तमान में विज्ञान की देन है बच्चों। किसके क्षेत्र में, भोजन के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में हम लोग पहले हल यूज़ करते थे, बैल करते थे, कुआं था, रहट था, गोबर की खाद करते थे, लेकिन आज के क्षेत्र आज क्या हुआ बच्चों, ट्रैक्टर है ना, नहरें हो गई, ट्यूबवेल हो गए, रासायनिक उर्वरक आज आ गए जैसे यूरिया है, फॉस्फेट है, पोटास है और उन्नत किस्म के बीज और उसके अलावा कीटनाशक दवाइयाँ। पहले क्या होता था, उन्नत किस्म के बीज नहीं थे, यानी कि हमको बहुत ज़्यादा बड़े फील्ड के अंदर बहुत ही कम हमको क्या मिलती थी, फसल मिलती थी हमें, लेकिन आज उतने ही फील्ड में उतने ही खेत में हमें बहुत ज़्यादा फसल मिल जाती है। तो ये किस कैसे संभव हो पाया, हरित क्रांति के कारण। हरित क्रांति आई, उससे उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म की खाद यानी कि उर्वरकों का इस्तेमाल होने लगा, कीटनाशकों का इस्तेमाल होने लगा, जिसकी वजह से आज किसान जो है तरक्की कर रहा है हमारे देश का। यातायात के क्षेत्र में बेटा आपने देखा ही होगा, पहले बैलगाड़ी चलती थी, कितनी कितनी दूर जाना पड़ता था हमको बैलगाड़ी से। मान हमने चलना, हमने मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना हो तो बैलगाड़ी से चलना शुरू करेंगे तो पता लगा कि 10-15 दिन लग जाएंगे। तांगा है, ऊँट है, घोड़ा गाड़ी है, खच्चर, ये तमाम चीज़ें हम लोग परंपरागत यूज़ करते थे, आज भी होती हैं, लेकिन इसकी जगह आज साइकिलें ले ली, कार ने ले ली, बस ने ले ली, स्कूटर ले ली, रेलगाड़ी ने ले ली और इसके अलावा वायुयान। आज हम कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही घंटों के अंदर हम बड़ी बड़ी यात्राएं संभव हो जाती हैं। वायुयान से हम कुछ ही घंटों में अमेरिका पहुंच सकते हैं, है ना, हम चाहे तो मुंबई पहुंच सकते हैं। और आज पानी का जहाज, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हम देखते हैं अपने आसपास में, किसकी देन है, विज्ञान की देन है बच्चों। इसके अलावा मनोरंजन के क्षेत्र में आप देखिए, पहले नाटक नौटंकी हमारे गांव में होते थे, बिरहा होता था, कठपुतली का नृत्य होता था, मेला लगते थे, आज रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, वीडियो गेम और डीवीडी, ये तमाम जो है आज मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कंप्यूटर और छोटे छोटे आपके हाथों में पाम टॉप, लैपटॉप्स, ये तमाम चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं हमारे आसपास में क्या हो गया, ये सब विज्ञान की देन है बच्चों। इसके अलावा संचार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि की है, पहले संदेश वाहक हुआ करते थे, डाकघर डाकिया जाया करता था घर घर क्या चिट्ठी देने के लिए, और आज क्या हो गया बेटा, टेलीफोन है, फिर मोबाइल आया, फिर फैक्स आया, फिर ईमेल आज चल आया, फिर कंप्यूटर, टेलीग्राम, इंटरनेट और आज व्हाट्सएप का ज़माना है ना। आज घर बैठे हुए हम तुरंत एक मैसेज को कहीं भी भेज सकते हैं, विद इन फ्यू सेकंड्स, कुछ ही सेकंड्स में हमारा मैसेज कहीं भी जा सकता है, ऑडियो वीडियो हम चाहें तो घर बैठे हुए किसी से भी बात भी कर सकते हैं। किस तरीके से, हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं यानी कि वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ये सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखेंगे, रोगों की जाँच के लिए बहुत सारे टेस्ट आ गए, मशीनें आ गई, उपचार आ गई, दवाइयाँ आ गई। पहले क्या होता, नाड़ी देख के अनुमान लगाया जाता था, जड़ी बूटी दी जाती थी, झाड़ फूँक की जाती थी और घरेलू उपचार किए जाते थे। आज क्या हो गया, मलमूत्र का टेस्ट हो जाता है, खून का परीक्षण होता है, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एंडोस्कोपी, एंटीबायोटिक दवाइयाँ, एनाल्जेसिक दवाइयाँ, एंटीसेप्टिक दवाइयाँ, इसके अलावा आज ऑपरेशंस हो रहे हैं, इन सब का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो ये सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है। पहले शिक्षा के क्षेत्र में क्या था, शिक्षा क्षेत्र में कैसे विज्ञान ने हमारी हेल्प की। पहले गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी, विद्यालय हुआ करते थे, उसमें शिक्षक पारंपरिक तरीके से पढ़ाया करते थे, और आज क्या हुआ, आज ओवरहेड प्रोजेक्टर्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, इंटरनेट, दूर क्षेत्र में स्थित छात्रों को
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से योग्य शिक्षकों द्वारा गुणवत्ता परक शिक्षा एजुसेट के माध्यम से, यानी कि एजुसेट क्या है, एक शैक्षणिक उपग्रह है जिसके माध्यम से घर बैठे बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का इंटरनेट के जरिए आपको यूट्यूब पे ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के दौर में क्या हो रहा है, शिक्षा जो है शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग घर बैठकर ही सारा ज्ञान ले सकते हैं मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए। तो आज जो ज़माना है वो घर बैठ के शिक्षा लेने का है, हमें इधर उधर बहुत दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे हम मोबाइल पर ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा अंतरिक्ष में आप देख रहे हैं बहुत सारा, सबसे पहले क्या था, दूरबीन थी, साधारण सी वैधशालाएँ थी, लेकिन आज क्या हो गया, चंद्रयान 1, रडार, मंगलयान, ये आदि बहुत सारे सेटेलाइट हमने आज उपग्रह जो है कृत्रिम उपग्रह कहाँ भेजे हैं, हमने अंतरिक्ष में भेजे हैं। रक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ, पहले भाला चलता, तलवार चलता था, तीर धनुष गदा, ये तमाम चीज़ें चलती थी, जैसे आप महाभारत में देखते हैं, रामायण में देखते हैं। लेकिन आजकल क्या है, बंदूक है, पिस्तौल है, तोप है, टैंकर है, परमाणु बम है, मिसाइलें हैं, ये तमाम चीज़ें आज इस क्षेत्र में भी आ गई। तो सुरक्षा के क्षेत्र में भी, रक्षा के क्षेत्र में भी आज बहुत सारी विज्ञान ने हमें दिया। तो इस प्रकार से आज हमने ये जाना कि किस प्रकार से विज्ञान से हमने, विज्ञान ने वर्तमान में हमें क्या क्या दिया, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से विज्ञान हमारी मदद कर रहा है। तो पहले परंपरागत प्रयोग, बहुत सारे साधन हम लोग इस्तेमाल करते थे, और आज हम लोग आधुनिकी, यानी आधुनिक युग में बहुत सारे, वर्तमान आधुनिक युग में बहुत सारे विज्ञान की देन विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आज आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की बच्चों कि किस प्रकार से विज्ञान हमारी मदद कर रहा है। तो यदि इसमें किसी प्रकार का आपको प्रश्न है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।